नमस्कार दोस्तों, मैं हूं घनश्याम और आप देख रहे हैं लर्न टेक्निकल एनालिसिस बाय घनश्याम टेक। दोस्तों, मैंने एक वीडियो डाली थी 200 डीएमए की, मैंने 200 सिंपल मूविंग एवरेज के कॉन्सेप्ट को किस तरह से आपको बाइंग करना चाहिए, क्या क्या चीजें ध्यान रखनी चाहिए। तो मैंने आप लोगों से क्वेश्चन किया था, एक वीडियो मैं बनाऊंगा, उसके बाद प्रैक्टिकल के लिए आप लोग ढूंढना है और कमेंट करके बताना है। तो उस पर एक वीडियो मैं बनाऊंगा कि कितने लोगों ने उसका सही रिप्लाई किया है या सही स्टॉक्स का सिलेक्शन किया है। दोस्तों, एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, देखिए वीडियो को देखते आप लोग 4,000, 5,000, 10,000 लोग हैं, लेकिन वीडियो को लाइक सिर्फ 1,000 या 2,000 रख करते हैं। तो इस वीडियो पे हमने एक एम रखा हुआ है कि इस वीडियो पे हमें लाइक कम से कम 3,000 लाइक और कम से कम 50 वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। यानी जो वीडियो के नीचे आप स्क्रॉल करते हुए जाएंगे तो जहां पे डिस्क्रिप्शन मिलेगा उसके ऊपर शेयर का ऑप्शन भी रहता है, तो वहीं से आप इसको फेसबुक, ट्विटर या लिंक कॉपी करके आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी इसको शेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखिए, आप लोग के लिए वीडियो बना रहा हूं, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर करेंगे तो मुझे भी थोड़ा सा मजा आएगा और वीडियो को और जल्दी जल्दी मैं लेके आऊंगा। तो उसमें बहुत सारा मुझे कमेंट आया है, जेएसपीएल देखिए बिल्कुल सही है, जेएसपीएल ने देखिए ऊपर निकला है, ऊपर निकलने के बाद ये कंटिन्यू नीचे की तरफ आके होल्ड कर रहा, तो यहाँ पे ये 2 दिन इस मूविंग एवरेज के आसपास, हमारे 3 दिन हो चुका है। तो अब जैसे ही ये इस प्राइस के ऊपर क्लोज करेगा, यानी 146 के ऊपर क्लोज करेगा, हम एक रिस्क ले सकते हैं। देखिए इंट्राडे में अगर ये 146 को क्रॉस करता, आपको दो तरीके से इसको ले सकते हैं, ये आपको डिसाइड करना है, ये मैं डिसाइड नहीं कर पाऊंगा। पहला तरीका ये होगा कि हर दिन, यानी हर बार जब भी आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो कर रहे हैं, हर बार जब ये 146 के ऊपर ट्रेड करे इंट्राडे में तभी आप ले लो। जैसे 146 के ऊपर निकला, 10-15 मिनट वहां पर सस्टेन कर गया, आप उसी दिन ले लो, या फिर आप एक थ्योरी बना लो कि जब ये इसके ऊपर क्लोज कर देगा तब मैं लूंगा। अब क्लोजिंग में भी अगर ये 170 क्लोज कर दे तो हमें नहीं लेना है, यानी क्लोजिंग भी हमारे बाइंग प्राइस के 1-1.5% ऊपर नीचे होगी तब हम ले सकते हैं। तो आपको डिसाइड करना है, आपको क्लोजिंग पे लेना है या हमारे प्राइस के ऊपर ट्रेड करने लगेगा तभी लेना है। मेरा व्यू हमेशा ये रहता है कि हमारे प्राइस के ऊपर ट्रेड करने लगता है तो मैं ले लेता हूं। अगर जैसे इसकी क्लोजिंग 143.50 है, अगर इस दिन की क्लोजिंग, यानी मान लीजिए मंडे को ये स्टॉक्स 146 के ऊपर ट्रेड किया और क्लोजिंग आके 143 के नीचे कर रहा है, तो मैं स्टॉक से निकल जाऊंगा उसी दिन, जो भी मेरा लॉस होगा लॉस लेके निकल जाऊंगा। क्लोजिंग अगर ये 146 के ऊपर कर देगा तब हमारे लिए फिर बिल्कुल ये ट्रेड एक्टिव हो जाएगा और उसके लिए हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो 139 के लमसम का यहाँ पे बन जाएगा। तो जिंदल स्टील एंड पावर जिन्होंने भी लिखा है वो ठीक है। अगला स्टॉक्स है, लोगों ने SBI लिखा है, SBI शायद उस कंडीशन में नहीं है मेरे ख्याल से। SBI देखिए एक दिन आया है और एक ही दिन यहाँ पे आके ये ऊपर की तरफ चला गया, तो इस कंडीशन को हम इस तरह से फॉलो नहीं करते हैं। कम से कम दो दिन ये आया है, कम से कम 3 दिन यहाँ पे बने रहना चाहिए था। मैंने जो SBI को लिया है वो मूविंग एवरेज के पास में हैमर कैंडल बनी, सॉरी हाँ ये ड्रैगन फ्लाई टाइप की कैंडल बनी थी, इसलिए मैं इसको लेके गया हूँ, उस कॉन्सेप्ट में मैं इसको लेके नहीं गया था, जैसा कि मैंने आप लोग को अपने वीडियो में बताया है। अगला स्टॉक्स है मदरसन सुमी का, बहुत लोगों ने रिप्लाई किया। देखिए आप लोग मेहनत कर रहे हैं, इसका मतलब आप लोग वीडियो देखिए समझिए। मदरसन सुमी देखिए ऊपर तुरंत आया और चला गया है, नीचे नहीं आया था, आज आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया। मैंने ये बोला है कि ऊपर जाए और ऊपर से नीचे एक बार आएगा तब हमारा काम बनेगा, तो ये तो डायरेक्ट ऊपर ही चल रहा है, तो मैंने इसको दूसरे वाले कॉन्सेप्ट से लिया है। ये देखिए मेरे पास बालकेस इंडस्ट्रीज, SBI और मदरसन सुमी, 3 पोजीशन मेरे पास स्विंग ट्रेडिंग की चल रही है, जैसा कि मैंने आप लोग को मैंने वीडियो में बताया हुआ था। तो इस कॉन्सेप्ट में नहीं है, ये सेकंड वाले कॉन्सेप्ट में है। जब सेकंड वाला कॉन्सेप्ट, आज मैं इसकी सेकंड वाले कॉन्सेप्ट की भी वीडियो बना के आप लोग के लिए डाल दूंगा। अगला स्टॉक्स है स्कॉट को, बहुत लोगों ने सेलेक्ट किया है। स्कॉट में देख लेते हैं, स्कॉट में ऐसा क्या बन रहा है। स्कॉट देखिए 200 डीएमए के ऊपर ही कंटिन्यू चल रहा है, ये स्टॉक सही सिलेक्शन है आप लोग का, लेकिन इसमें क्या कंसोलिडेशन कुछ ज्यादा यहाँ पे देखिए हो रहा, धीरे धीरे करके कंसोलिडेशन ज्यादा हो रहा। तो अब हमें जो इसको लेना है, देखिए सिनेरियो को भी समझना है आपको, चीजों को समझते रहना, सिनेरियो को हमें समझना पड़ेगा, नहीं तो हम आइडियल सिचुएशन नहीं ढूंढ पाएंगे। ये स्टॉक्स अच्छा है लेकिन आइडियल नहीं है, क्योंकि बहुत दिनों से ये यहीं पर ट्रेड कर रहा है इसका। अब हमें क्या करना, हमें 4 से 5 दिन यहाँ पे स्टॉक्स आए और स्टॉक्स ऊपर की तरफ निकल ले, तो ये मूविंग एवरेज के पास में काफी दिनों से यहीं पे सेलेक्ट कर रहा, तो शायद अगर इसको बाइंग भी हम करेंगे ना तो शायद 680 के ऊपर करेंगे, तो इस कंडीशन में ये आइडियल नहीं है जो स्कॉट है। अजंता फार्मा बहुत लोगों ने सेलेक्ट किया है, तो अजंता फार्मा में देख लेते हैं। अजंता फार्मा नहीं, ये स्टॉक नहीं है, ये देखिए गया किधर, ये गया और डायरेक्ट नीचे ही आ गया ना, डायरेक्ट नीचे ही आ गया। हमें तो ये चाहिए कि यहाँ पे कंसोलिडेशन करने के बाद में ये हाई को ब्रेक करे इस हाई को, तो ये स्टॉक नहीं है अजंता फार्मा, उस कंडीशन में नहीं है अभी। अगला स्टॉक है डॉक्टर रेड्डी, डॉक्टर साहब को बहुत लोगों ने सेलेक्ट किया, मुझे नहीं लगता डॉक्टर साहब ऐसे कंडीशन में है, क्योंकि डॉक्टर साहब को तो मैं रोज ही देखते रहता हूँ,
नहीं डॉक्टर साहब भी नहीं है यहाँ पे, इस कंडीशन में नहीं है। देखिए बहुत ऊपर चला गया, जब ये बहुत ऊपर चला गया फिर यहाँ पे आएगा तो हमारा काम नहीं होगा दोस्तों। जैसे ही क्रॉस करेगा 1-2 दिन 3 दिन के बाद ये यहाँ पे आएगा तब हमारा काम होगा। अगर ये यहाँ से चला गया, मान लीजिए 2600 से गया, 2900 चला गया, टारगेट हिट हो गया, फिर यहाँ पे आने का मतलब नहीं है इसको। और जल्दीबाजी नहीं करनी है, जो मिलेगा उसमें करना है दोस्तों। नहीं मिल रहा छोड़ दो, सेकंड कॉन्सेप्ट में मिल जाएगा। बहुत सारे कॉन्सेप्ट है हम लोग के पास में, तो किसी ना किसी कॉन्सेप्ट में आइडियल सिचुएशन बनेगी। तो यहाँ पे कोई आइडियल नहीं है, डॉक्टर रेड्डी नहीं है। बहुत सारे लोगों ने टेक महिंद्रा को दिया हुआ है, तो टेक महिंद्रा भी देख लेते हैं। टेक महिंद्रा में ये ऊपर गया, नीचे आया, अब ये नीचे की तरफ आ रहा है। यहाँ पे देखिए सिर्फ एक दिन आया, तो हम एक दिन पे ये बिलीव नहीं करते हैं। कम से कम यहाँ पे 3 से 4 दिन होना चाहिए, तभी हमारा काम बनेगा, नहीं तो हम इसको सेलेक्ट नहीं करेंगे, हमारे आइडियल सिचुएशन में नहीं है। ये भी देखिए काफी ऊपर जाके आया है, मेरे ख्याल से 740 से लेकर 785, नहीं ये काफी ऊपर जाके आया, फिर भी देखते हैं यहाँ पे किस जगह से करता है। ये 50-50 हो सकता है, आइडियल नहीं है। जो आइडियल होगा मैं बोलूंगा बिल्कुल ये आइडियल है। टेक महिंद्रा के बाद श्रीराम ट्रांसपोर्ट लिखा है कुछ लोगों ने, श्रीराम ट्रांसपोर्ट नहीं होगा मेरे ख्याल से। श्रीराम ट्रांसपोर्ट, हाँ श्रीराम ट्रांसपोर्ट, लेकिन ये खिचड़ी टाइप का यहाँ पे मूविंग एवरेज में इसने किया है, क्रॉस होने में इसने खिचड़ी बनाया। मैंने एक चीज और बताया कि क्रॉस होने में भी देखिए कि कम से कम उसको टाइम लग रहा है क्रॉस होने में, ये एक एक दिन में क्रॉस कर रहा है, इसको नहीं लेंगे हम। रेमंड्स है, रेमंड्स भी नहीं है मेरे ख्याल से। रेमंड तो मैं रोज देखता हूँ, रेमंड तो काफी बड़े बड़े मूव रेमंड के हो चुके थे कि बहुत बड़ा मूवमेंट रेमंड रेमंड ने दिया है। 20-20% के एक एक दिन में मूवमेंट हो गए, तो इससे थोड़ा सा बच के रहेंगे। ऐसे स्टॉक भी हम नहीं सिलेक्ट करेंगे जो काफी वोलेटाइल है। टीवीएस मोटर, अब देखिए मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हमारे ना बोलने से ये जाएगा नहीं, मेरे पास ये आइडियल सिचुएशन में नहीं है। पहले मैं अपना रिस्क देखूंगा कि मैं रिस्क कितना ले सकता हूँ, रिस्क बड़ा होगा तो मैं इसको ट्रेड नहीं करूंगा। टीवीएस मोटर ये रहा, नहीं टीवीएस मोटर देखिए यहाँ से निकला, अभी यहाँ पे निकला, निकलने के बाद 54 के बाद कहाँ पे गया, ये 50, यानी 10% का मूवमेंट तो दे दिया, उसके बाद ये यहाँ पे आके ट्रेड कर रहा है। अगर ये देखिए, मेरे कहने का मतलब शायद आप लोग समझ नहीं पा रहे, और ये देखिए ये स्टॉक जिसने सेलेक्ट किया वो ठीक है, क्योंकि देखिए मूविंग एवरेज को कंटिन्यू ये ब्रेक भी नहीं कर रहा था, और ब्रेक किया तो ऊपर की तरफ। देखिए ये ब्रेक करने के बाद हमें ट्रेड ये यहाँ पे बन रहा था, ये समझिए, इसने ब्रेक किया और ब्रेक करने के बाद ये इसी जगह पे देखिए ऊपर की तरफ रुका, तो हमारा ट्रेड यहाँ पे बनता 67-68 के पास हमारा ट्रेड बनता है। अब इस जगह हम ट्रेड नहीं लेंगे क्योंकि एक ट्रेड हमारा ऑलरेडी हो चुका है यहाँ पे। हो सकता है यहाँ से 20% मूवमेंट कर जाए, दूसरे सिनारियों में बनेगा, कहीं किसी और चीजों में बनेगा, तब हम कर सकते हैं। देखिए एक ही के पीछे नहीं पड़ जाना है, तो ये सही जगह पे ये थी कि जैसे ब्रेक करे उसी समय स्टॉक्स अगर रुकने लगता है धीरे 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 करके इसी के आसपास, ये 10 दिन 12 दिन भी रुकेगा कोई बात नहीं, लेकिन उसी समय रुके। अब ये क्या हो गया, एक बड़ा मूव दे चुका है ना, इसलिए हम इसको छोड़ देंगे अभी। टीबीएस के बाद है कैस्ट्रॉल इंडिया। देखिए मैं जो फ्यूचर वाले स्टॉक हैं ज्यादातर मैं उसको देख रहा हूँ, आप लोग के बहुत लोगों ने कैश के भी भेजे हैं, तो थोड़ा सा कैश में थोड़ा सा दूर जाना पड़ेगा, बहुत सारे स्टॉक्स हो जाएंगे। कैस्ट्रॉल इंडिया ये सर देखिए 143 से ऑलरेडी 60 तक गया, 43 और 60 का मतलब ये हो गया कि स्टॉक ने ऑलरेडी 15% का मूवमेंट दे दिया है। फिर भी एक बार रिस्क अगर लेना है तो यहाँ पे जैसे ही आएगा और इसका क्लोजिंग 147 के ऊपर होगा तो एक बार रिस्क ले सकते हैं, लेकिन रिस्क क्यों लेना है, बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे मिलेंगे जो तुरंत जाएंगे और तुरंत आएंगे। अब हमें क्या होता है ना, हम कोई चीज़ें जान जाते हैं तो उस चीज़ों के पीछे पड़ जाते हैं, इसको पीछे मत पड़िए इस चीज़ों के, जो तुरंत जैसे ये गया एक दिन बनी उसके बाद ये आके यहीं पे ट्रेड करने लगता तो हमारे लिए आइडियल सिचुएशन बनती है। बालकिस इंडस्ट्रीज, देखिए बालकिस इंडस्ट्रीज परफेक्ट है बिल्कुल, क्योंकि मैंने पोजीशन बालकिस में ली है और इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि बालकिस ने बिल्कुल आइडियल सिचुएशन आपको ढूंढनी है। देखिए सिचुएशन तो सब बनेगी, हर स्टॉक्स में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो बन रहा होगा, आपको आइडियल सिचुएशन ढूंढनी है। ये देखिए स्टॉक्स आया, स्टॉक्स देखिए अभी से स्टॉक्स के लिए बड़ा मूवमेंट नहीं है, 50 वाला स्टॉक 800 वाला यहाँ पे गया, कितना मूवमेंट किया 3% का मूवमेंट किया, 50 वाला 80 गया तो 3% की मूवमेंट हुई, और इसके बाद ये कंटिन्यू देखिए आके हमारे मूविंग एवरेज के पास में 3 दिन यहाँ पे होल्ड कर रहा था। अब ये 3 दिन होल्ड करने के बाद में कल मैंने इस पे पोजीशन बनाई 839 के आस पे मैं पोजीशन इसकी लेके गया हूँ, और अब मेरा स्टॉप लॉस भी मेरे बाइंग प्राइस के ऊपर ही कर लूंगा, क्योंकि काफी अच्छी मूवमेंट यहाँ पे हमें मिल गई थी, तो मैं इसका स्टॉप लॉस भी यही कर लूंगा। तो बालकिस इंडस्ट्रीज उस आइडियल सिचुएशन में परफेक्ट है, और पहले ये देखिए कि यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है या नहीं। देखिए यहाँ भी नहीं गया, यहाँ भी नहीं गया, और उसके बाद गया है तब ये सिचुएशन बनी है। आप लोगों ने बहुत सारे लोग ये चीजें भूल गए, जैसा मैंने बताया कि कई बार रुक रहा है उसके बाद क्रॉस हो रहा है, कई सारे लोग ऐसा स्टॉक सिलेक्शन किया है जो ऊपर नीचे हो रहा है, जैसे श्रीराम ट्रांसपोर्ट बोला, श्रीराम ट्रांसपोर्ट ऊपर भी गया है, नीचे भी गया है, ऊपर भी गया है, नीचे गया, तो उससे हमारा मतलब नहीं है। हमारा मतलब उस स्टॉक से होना चाहिए जो स्टॉक क्रॉस नहीं कर रहा और फिर उसके बाद क्रॉस कर रहा हो।
डिवीस लैब, डिवीस लैब ने फ्राइडे को एक बड़ा मूवमेंट दिया था, मैं देख रहा था, लेकिन इस सिचुएशन में डिवीस लैब नहीं, ये नहीं है, डिवीस लैब को हम नहीं ले रहे हैं इसमें। डिवीस लैब के बाद है बंधन बैंक, किसी ने किया है तो बंधन बैंक को तो हमें यहाँ से देखना पड़ेगा। बंधन बैंक देख लेते हैं, बंधन है ना, बी ए रहेगा तो ऊपर होगा ये बी, बंधन बैंक है नहीं क्या मेरे पास में, बंधन बैंक ये रहा, नहीं सर जी ये बंधन बैंक कहाँ इस कंडीशन में है, ये तो बहुत दूर निकल चुका है। मारुति बोल रहे कुछ लोग, मारुति, मारुति ऑलरेडी बड़ा मूवमेंट दे के नीचे आया है तो मेरे ख्याल से मारुति नहीं है। मारुति सर जी, मारुति, मारुति कहाँ यहाँ पे चल ट्रेड कर रहा है, ये भूल जाइए, ये निकल चुका ना हमारे हाथ से, अगर हमें लेना ही था तो फिर ये आया और इस मूविंग एवरेज के पास कंटिन्यू ट्रेड करते रहा, लेकिन ये नीचे आ गया था तो नीचे वाले कॉन्सेप्ट हमारे दूसरे हैं। ऊपर वाले कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूँ तो ऊपर वाले कॉन्सेप्ट में मारुति फुलफिल नहीं हो रहा है यहाँ पे। वीगार्ड कुछ लोगों ने बोला हुआ है, देखिए आप लोग की रिक्वेस्ट पे ये वीडियो मैं बना रहा हूँ तो आप लोग की जिम्मेदारी है कि वीडियो को लाइक और शेयर आप लोग कीजिए, जिससे मैं आप लोग के लिए और सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर कर दूँ। ये नहीं है, ये नहीं है दोस्तों, ये स्टॉक वीगार्ड ने 200 डीएमए के ऊपर ट्रेड कर रहा है, हमारा कॉन्सेप्ट ये नहीं, इसका मतलब आपने वीडियो को ध्यान से नहीं देखा है, पहले वीडियो को जाके आप ध्यान से देखिए। आप लोग बहुत सारे लोगों ने गलत स्टॉक यहाँ पे सिलेक्ट किया है, अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये ऊपर ही नहीं जाएगा, ये यहाँ तो हो सके 50% ऊपर चला जाए एक ही दिन में, मेरा व्यू वो नहीं है, मेरा व्यू मेरी कंडीशन में सही जगह पे बैठना चाहिए। कोटक बैंक और डीएलएफ, कोटक बैंक भेजा है कुछ लोगों ने, नहीं कोटक बैंक तो सर बहुत दूर चल रहा है, कोटक बैंक कहाँ हमारे उसके ऊपर है, ये कोटक बैंक नहीं है सर, आप लोग समझ नहीं पाए वीडियो को ध्यान से, शायद आप लोग ने ना देखा है ना सुना है, बहुत सारे लोगों ने वीडियो देखा है सिर्फ उसको ध्यान से सुना नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ। डीएलएफ भी नहीं है तो ऊपर ही निकल गया, रुका कहाँ, ये रुका था, ये तो हो चुका ना, मैंने ऐसा बोला है कि ऐसे स्टॉक्स आप मुझे भेजिए जो अभी फिलहाल बन रहे हो, ये तो निकल गया ऊपर गया, देखिए यहाँ पे तीन दिन आके, तीन दिन चार दिन रुका और जैसे हाई को क्रॉस किया एक मूवमेंट मिल गई हमें ना यहाँ पे, तो जो मिल चुका है, जो बीत गया है वो भूल जाइए, जो आगे होने वाला है उसकी बात हम कर रहे हैं, आप ऐसे स्टॉक भेजिए जो आगे होने वाला है, जो हो गया वो तो सबको दिख गया सर, उससे हमें कुछ लेना देना नहीं है, जो हो गया वो हमें पैसा थोड़ी देके गया है, जो होगा वो पैसा देगा और वो कॉन्फिडेंस बिल्ड करेगा हमारे स्ट्रेटजी में, वो कॉन्फिडेंस लेके आएगा जो अभी होने वाला है, तो ऐसे स्टॉक्स आप लोग भेजिए। डीएलएफ भी नहीं है, अशोक लेलैंड, अशोक लेलैंड उस लिस्ट में है लेकिन अभी उसने क्रॉस नहीं किया है सर, मेरी नजर भी अशोक लेलैंड पे है लेकिन अशोक लेलैंड ने अभी क्रॉस नहीं किया है, पहले क्रॉस तो करने दे, एक बार क्लोज तो करने दे, बिल्कुल कंटिन्यू सही सिचुएशन है, आइडियल स्टॉक्स है, नजर हमारी हटनी नहीं चाहिए, एक बार 82 पे ये क्लोज कर दे फिर हमारी नजर इस पे बनी रहेगी, जैसे ही हमारे कॉन्सेप्ट को फॉलो करेगा मैं इस पे बैठा हूं तैयार। 1 लाख रुपए, देखिए मैं कैश में पैसे लगाता हूं, मैं फ्यूचर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कैश में लगाऊंगा और मैं कैश में 4 स्टॉक ढूंढ के रखता हूं, ऐसी जगह पे मैं 4 स्टॉक ढूंढ के रखता हूं और जो भी आइडियल होगा मैं उसको ट्रेड करूंगा। एक कॉन्सेप्ट में 4 स्टॉक, कम से कम 4 स्टॉक मेरे पास एक कॉन्सेप्ट में होने चाहिए, या एक कॉन्सेप्ट में मैं 4 स्टॉक्स लगाऊंगा, जब बनेगा तब लगाऊंगा। अगर मेरे पास 1 लाख रुपए, मान लीजिए आपके पास 1 लाख है तो 25,000 के 4 पार्ट में डिवाइड कीजिए, अगर 2,25 आपने इस कॉन्सेप्ट को फॉलो किया है, यानी इस स्ट्रेटजी को फॉलो किया है, तो कोशिश कीजिए अगले 25,000 आपके पास बैलेंस है उस 2 के लिए भी इसी तरह का कॉन्सेप्ट ढूंढिए, तीसरा चौथा पांचवा कॉन्सेप्ट ढूंढेंगे तो आप हर समय फंसेंगे, हमेशा एक कॉन्सेप्ट को यूज कीजिए, मेरी गारंटी है पैसा लॉस नहीं होगा स्टॉक मार्केट में आपका। टीसीएस कुछ लोगों ने बोला है, सर टीसीएस काफी तेजी से ऊपर नीचे बड़ी बड़ी कैंडल बन रही, तो मेरे ख्याल से टीसीएस में तो बनेगा ही नहीं, ये कॉन्सेप्ट नहीं है सर टीसीएस में, देखिए बड़ी बड़ी कैंडल है काफी है टीसीएस में, ये नहीं होगा। कुछ लोगों ने BEL को लिखा हुआ, देखिए आप लोगों ने लिखा है, मैं वही स्टॉक्स यहाँ पे ढूंढ के बता रहा हूँ, BEL भी नहीं है, कहाँ पे BEL चल रहा है सर, हमारा कॉन्सेप्ट क्या है और आप कहाँ पे ढूंढ रहे हैं, यानी आप लोग का माइंडसेट अभी भी क्लियर नहीं है इसमें, दूसरे वाले में क्लियर हो जाएगा, उसमें काफी सारे स्टॉक काफी जल्दी मिल जाते हैं। PBR बोला है बहुत लोगों ने, तो PBR को देख लेते हैं, PBR भी नहीं है, स्टॉक निकल गया है 2 महीने से ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो इतना लेट हम थोड़ू ट्रेड करने जा रहे हैं, देखिए जो छूट गया वो छूट गया सर, छूट गया तो छूट जाने दीजिए, दूसरा कॉन्सेप्ट है उसमें पकड़ में आ जाएंगे सारे, ये कहीं नहीं जाने वाले हैं, बस आप बैठे रहिए पैसे को बचा के, उल्टे सीधे ट्रेड करेंगे तो कोई कॉन्सेप्ट काम नहीं करेगा। L&T नहीं, L&T ने नीचे ब्रेक किया है, ये सेकंड उसमें मिल जाएगा शायद, अभी देखते हैं सेकंड वाले में बनेगा तो बहुत अच्छा है, सेकंड वाले की वीडियो मैं आज आप लोग के लिए डाल दूंगा उसकी। L&T भी नहीं है उसमें, ये क्या TIT कौन सा स्टॉक है, शायद मैंने गलत लिखा, अच्छा टाइटन, सॉरी हाँ टाइटन उस कॉन्सेप्ट में शायद बैठने वाला है, टाइटन मेरे ख्याल नहीं, टाइटन नीचे दूसरे वाले कॉन्सेप्ट में बैठेगा सर, जो दूसरा कॉन्सेप्ट बताऊंगा शायद उसमें बैठेगा,
टाइटन तो ऊपर से नीचे आया है ना, हमें तो नीचे से ऊपर जाने वाले स्टॉक के बारे में बात कर रहे थे पहले। टाइटन कहाँ गया? ये रहा, नहीं ये सेकंड कॉन्सेप्ट में भी नहीं बैठेगा सर। देखो ये नीचे ऊपर से नीचे आके यहाँ पे होल्ड कर रहा है, तो इस कॉन्सेप्ट में नहीं है। बहुत सारी चीजें ऐसी और आगे मैं बताने वाला हूँ, जो हर स्टॉक, अगर आप किसी स्टॉक्स को ट्रैक कर रहे हो सही से आइडियल मिलेगा। मैंने क्या बताया कि नीचे से ऊपर जाए, ये तो सर ऊपर से नीचे आ रहा है यहाँ पे नहीं। पीएफसी आरईसी में बहुत सारे लोगों का इंटरेस्ट दिख रहा है, तो आरईसी साहब इस कॉन्सेप्ट में देखिए यहाँ पे क्रॉस हुआ, बनी नहीं, रुकी नहीं ना, रुकने चाहिए ना, देखिए रुका ही नहीं, गया ऊपर गया फिर डायरेक्ट नीचे ब्रेक कर दिया। मैंने क्या बोला, ऊपर जाने के बाद इस मूविंग एवरेज को ब्रेक नहीं करना चाहिए, वहां पे 3 दिन कम से कम वहां पे रहना चाहिए। पीएफसी ने भी यही किया है, मेरी नजर इन सब पे है। देखिए एक यहाँ पे क्लोज नहीं किया, यहाँ पे इसने क्लोज किया, आप कंटिन्यू ऊपर नीचे कर रहा है। जब ऊपर नीचे ही ये कर रहा है बार बार ये मूविंग एवरेज के पास में, तो एक बार ये 115 के ऊपर निकलेगा फिर देखूंगा इसको मैं। चोला फाइनेंस, चोला फाइनेंस तो ब्रेकआउट दिया शायद, मेरे ख्याल से चोला नहीं दिया, लेकिन ये सर कहाँ पे, आप लोग का कॉन्सेप्ट शायद समझ नहीं पा रहे सर, ये कहाँ पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है, आप कैसे कैसे स्टॉक आप लोग भेज रहे हैं, ऐसे भेजोगे तो मैं कैसे देखूंगा फिर। एलएनटी इन्फोटेक सर मेरे में नहीं है, किसी ने एलएनटी इन्फोटेक का दिया था, मुझे नहीं दिख रहा है, मेरे पास नहीं है सर एलएनटी इन्फोटेक। क्रिसल CRI, ये आ गया अपना क्रिसल, ये देखिए डायरेक्ट सर नीचे आ गया, आप समझ नहीं पाए। फिर भी देखिए ऊपर गया, पहले कौन सा हमारा पहला जो रूल था उसको फॉलो किया, काफी अच्छा मूविंग एवरेज को क्रॉस नहीं कर रहा था, ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद ये क्या देखो डायरेक्ट नीचे आ गया। मैं क्या बोल रहा हूँ कि मूविंग एवरेज के आसपास में रुके 3-4 दिन, ये रुका नहीं है, डायरेक्ट नीचे आ गया। ये जो रुकने की बात आप इसको पकड़ रहे हैं, तो ये ऊपर में है, ये नीचे की तरफ नहीं रुका है, ये यहाँ पे नहीं है। देखिए दो कॉन्सेप्ट हमारे पास में है, तो दूसरे वाले कॉन्सेप्ट में ये फुलफिल हो जाएगा, तो आप उसका टेंशन मत लो। एक कॉन्सेप्ट में फुलफिल हो नहीं हो रहा तो शायद दूसरे में मिल जाए, दूसरे में भी नहीं मिल रहा है छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं हमें। ABF आदित्य बिरला फैशन, ये नहीं चलेगा ऐसे स्टॉक। ये जिगजैग मैंने क्या बोला कि क्रॉस ना कर रहा हो, ये तो हर दिन ही क्रॉस कर रहा, तो इसमें क्या फॉलो करेंगे हम। गल्फ ऑयल GUL, गल्फ ऑयल ये भी नहीं चलेगा, ये भी ऊपर नीचे कर रहा है। ऐसे स्टॉक्स को मत सेलेक्ट कीजिए आप लोग। ICICI Pru तो अपने पास में है, यहाँ हमें मिल गया ICICI Pru, ये रहा। हाँ यहाँ पे कहाँ दिख रहा है आपको 200 DMA को फॉलो कर रहा है सर, आप लोग ना मतलब सीखने वाला माइंडसेट कुछ लोगों का नहीं है, कुछ लोगों ने सिर्फ कमेंट ही किया है, शायद वीडियो को ध्यान से देखा नहीं, बस कमेंट कर। यहाँ भी कहाँ पे है, HDFC में कहाँ है, मैंने क्या बोला है कि क्रॉस करे, क्रॉस करने के बाद यहाँ पे आके इसके आसपास ट्रेड करे, वो स्टॉक्स भेजो जो बन रहा है, जो बीत गया है उस पर दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। और सबसे पहली बात, मैंने ऐसे स्टॉक बोला है जो नीचे से ऊपर यानी 200 DMA को क्रॉस ना कर रहा हो, यहाँ तो हर दिन ही क्रॉस कर रहा है ऊपर नीचे, ये तो किसी कॉन्सेप्ट को फॉलो नहीं कर रहा। तो दोस्तों देखिए बहुत सारे जो कमेंट थे उस कमेंट का मैंने रिप्लाई कर दिया है। मैं सेकंड वीडियो, देखिए मैं पहले आप लोग को बता दूं कि हमारा कॉन्सेप्ट क्या है। जैसे हमारा कॉन्सेप्ट, मैंने शायद कोलपाल का वीडियो लिया था, हाँ हमारा कॉन्सेप्ट क्या था, हमारा कॉन्सेप्ट ये देखिए कोलपाल का, मेरा कॉन्सेप्ट ये था, एक बार फिर से समझ लीजिए जिन्होंने नहीं समझा है। उसके पहले एक चीज बता दूं, जो भी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उस लिंक के जरिए जाके आपको जीरोधा में अकाउंट ओपन करना है, और अकाउंट ओपन होने के बाद आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ठीक है, हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि कोई भी स्टॉक 200 DMA को क्रॉस ना करो, ये सिंपल मूविंग एवरेज है 200 का, ठीक है 200 का सिंपल मूविंग एवरेज है, कोई भी स्टॉक्स इसको क्रॉस ना कर रहा हो। ठीक है, अब मान लीजिए ये स्टॉक 1, 2, 3, 4, 5 क्रॉस किया, क्रॉस करने के बाद डायरेक्ट नीचे आ गया, हमारी लिस्ट में नहीं। हमारी लिस्ट में कब होगा, जब ये स्टॉक्स क्रॉस किया, इसने क्रॉस कर दिया और क्रॉस करने के बाद ये वापस हमारे मूविंग एवरेज के आसपास आके ट्रेड करेगा, कम से कम 3 से 4 दिन, मिनिमम 3 से 4 दिन तो यहाँ पे रुकने चाहिए, उसके बाद 5, 6, 10 दिन भी रुकेगा कोई बात नहीं, लेकिन मूविंग एवरेज के आसपास ही ट्रेड करते रहना चाहिए। और उसके बाद जैसे ये जो लो लगेगा, जो मूविंग एवरेज के पास कैंडल आती रहेगी और उसका जो लो लगेगा उसके लो के नीचे हमारा ऐसे लगना है, यानी ये जो मूविंग एवरेज है इसका ये लो वेस्ट होगा तो इसको स्टॉप लॉस रखेंगे, या किसी कैंडल ने मूविंग एवरेज को नीचे की तरफ ब्रेक किया था, कई दिन क्या होगा कि ये कैंडल इंट्राडे में इस मूविंग एवरेज को ब्रेक करके नीचे आ जाएगी, तो मूविंग एवरेज या कैंडल में से जो लो होगा वो हमारा एसएल होगा। हमारा बाइंग प्राइस वो होगा जब ये जो
इसके आसपास ट्रेड कर रहा है उसके हाई को निकालेगा। मान लीजिए अगर इसका हाई 168 है और इसका हाई 174 है, तो मैं 168 पे ना लेके 174 पे लूंगा, मैं पूरी तरह से क्लियर हो जाऊंगा। अगर ये हाई मान लीजिए 180 होता और यहाँ पे ये कंटिन्यू 120, 125, 130 पे क्रॉस करता, तो मैं फिर 135 पे ट्रेड ले लेता। लेकिन हमारा ट्रेड लेने का जो प्राइस है मान लीजिए 170 है और हाई जो है 178-179 है, तो मैं कोशिश करूंगा कि इस हाई को भी मार्केट निकाल दे, तब ट्रेड लूंगा। तो हमारा कॉन्सेप्ट यह है कि क्रॉस हो जाने के बाद में फिर वापस इसी मूविंग एवरेज के पास में आके मिनिमम 3 से 4 दिन और मैक्सिमम तो वो 1 महीने 1.5 महीने भी ट्रेड कर सकता है, यहाँ पे बने और फिर ब्रेक करेगा तब हम इसको लेंगे। तो इस कॉन्सेप्ट का मैंने एग्जांपल भी दिया था कि टाटा मोटर इस कॉन्सेप्ट में बिल्कुल फुलफिल बैठ रहा है, लेकिन अभी उसने ब्रेकआउट नहीं दिया है। ये देखिए क्रॉस किया आप हमारे मूविंग एवरेज के पास, ये कंटिन्यू ट्रेड कर रहा है, तो ये इसने अभी फुलफिल कर दिया है, लेकिन अभी हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। इसमें ट्रेड एग्जीक्यूट होने के लिए हमें क्या करना है, 75 के ऊपर का क्लोजिंग चाहिए इसमें। अगर ये मान लीजिए मूविंग एवरेज को ब्रेक करके नीचे 2 दिन क्लोज कर देता है, हमारा ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे फेल हो जाएगा, यानी हमारा ट्रेड एक्टिव नहीं होगा। तो मैंने ऐसे स्टॉक ढूंढने के लिए बोले, आप लोग तो ऐसे ऐसे स्टॉक ढूंढ रहे हो जो हर दिन मूविंग एवरेज को ऊपर नीचे की तरफ ब्रेक कर रहा है, क्या मालूम 10 महीनों से ब्रेक करके ऊपर की तरफ गया हुआ है, उसी स्टॉक को सेलेक्ट कर रहे हो। आइडियल ढूंढो आप लोग, हमेशा आपको आइडियल ढूंढना है। अगर आप आइडियल नहीं ढूंढ पाओगे तो स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं बनेगा। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोग को पसंद आ रही होगी। वीडियो अगर पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, जैसा कि मैंने एम रखा है कि 3000 एम हमने रखा है वीडियो को लाइक करने का इस बार, और हर दिन जब नई वीडियो बनाऊंगा तो कुछ एम बढ़ाते जाऊंगा आप लोगों के लिए। देखिए आप लोग थोड़ी सी मेहनत करना है, बस लाइक करना है और शेयर करना है, बाकी चीज़ें तो मैं कर ही रहा हूँ आप लोग के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।